This news sponsored by Me Media and Web Solutions Private Limited. Contact us for live streaming on news portal, website, YouTube channel and Facebook. Also, we deal in online promotion, SEO, e-business, web server and all type of audio video making. Call now 9999042768. नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार और वक्त हो चुका है दिन भर के बड़ी खबरों का। विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे के पिता ने ऑस्ट्रेलिया की सरकार से अपने बेटे की मदद करने की गुजारिश की है और उन्हें वापस अपने देश ऑस्ट्रेलिया बुलाने का सुझाव दिया है। आपको बता दें कि 47 वर्षीय असांजे को लंदन के इक्वाडोर दूतावास से गिरफ्तार करने के बाद ब्रिटिश हिरासत में रखा गया है। मलेशिया के पूर्व सीएम नजीब रजाक अपने खिलाफ भ्रष्टाचार के हाई प्रोफाइल मामले में आज सोमवार को अदालत में पेश हुए। आपको बता दें कि इसी घोटाले के कारण नजीब का सत्तारूढ़ गठबंधन सत्ता से बाहर हो गया था। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा फैसला करते हुए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनाव प्रचार करने पर क्रमशः 72 घंटे व 48 घंटे की रोक लगा दी है। आगरा के जरार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं। अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो देश के सारे शहीदों का सम्मान कीजिए और चुनाव के वक्त पाकिस्तान की नहीं हिंदुस्तान की बात करिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के काफिले पर अज्ञात लोगों ने पत्थरबाजी कर दी। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी उस समय हुई जब महबूबा मुफ्ती खिरम दरगाह में माथा टेक कर वापस लौट रही थी। आज भाजपा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को राफेल मामले पर आड़े हाथों लिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के झूठ का पर्दाफाश किया है और आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद ने मधुबनी लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल करने की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि मधुबनी सीट बंटवारे के तहत विकासशील इंसान पार्टी को मिली है। विश्व कप 2019 को लेकर भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम के चयन के लिए MSK प्रसाद की अध्यक्षता वाली 5 सदस्य चयन समिति सोमवार को मुंबई में बैठक की, जिसमें 15 खिलाड़ियों का चयन किया गया। आपको बता दें कि 30 मई से विश्व कप 2019 की शुरुआत हो रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी को झटका देते हुए अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है और बताया जा रहा है कि राजभर जल्द 25 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी करने जा रहे हैं। हिमाचल दिवस के अवसर पर आज शिमला में रिज मैदान पर राजस्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पहली बार मलखंब का प्रदर्शन किया गया। लोकसभा चुनाव 2019 के मद्देनजर बीजेपी ने हरियाणा में सभी 10 सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल को है। भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर ब्रिज किशोर कुठियाला सहित 20 प्रोफेसर्स के खिलाफ EOW ने धोखाधड़ी और षड्यंत्र का FIR दर्ज किया है, जिसके बाद यूनिवर्सिटी में हलचल बढ़ गई है। भाजपा नेता जया प्रदा पर सपा नेता आजम खान द्वारा आपत्तिजनक बयान दिए जाने के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इसके लिए सिर्फ आजम खान ही नहीं, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को देश की करोड़ों महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। MP के पूर्व CM ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता की सारी योजनाएं बंद कर दी गई और कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ करने का सफेद झूठ बोला, जिससे जनता परेशान हो गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद झारखंड के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने आज रांची की निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि आज सुबह 10:30 के करीब वे अपने वकील के साथ पहुंचे और सरेंडर कर दिया। नोकिया के लिए स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी HMD ग्लोबल ने भारत में नोकिया 7.1 के दाम घटा दिए हैं। आपको बता दें कि नोकिया 7.1 स्मार्टफोन की कीमत 2000 रुपए की परमानेंट कटौती की गई है, जो कि नोकिया स्मार्टफोन की चाह रखने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। एक रिसर्च में कहा गया है कि गरीबी की वजह से लोगों के DNA पर प्रभाव पड़ रहा है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में पाया है कि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति करीब 1500 से अधिक जीने में बदलाव से जुड़ी हुई है।
आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें कि यह मैच आज रात 8 बजे शुरू होगा। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन को बीजेपी ने गोरखपुर से टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि रवि किशन ने कुछ दिनों पहले ही सीएम आवास पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली मूवी भारत का एक और नया पोस्टर आज जारी किया गया है, जिसमें सलमान खान बुजुर्ग लुक में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सलमान की फिल्म भारत इस साल ईद के मौके पर रिलीज होगी। सुप्रीम कोर्ट आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने जा रहा है। आपको बता दें कि पीएम को चौकीदार ही चोर है कहने पर बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने राहुल के खिलाफ कंटेप्ट ऑफ कोर्ट की याचिका दायर की है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। एक जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उतरे 1590 में से 251 प्रत्याशियों पर केस दर्ज है और 167 पर कई गंभीर मामले हैं। आपको बता दें कि इस मामले में सबसे आगे डीएमके है, जिसके 46% उम्मीदवार दागी हैं। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई का जश्न मनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि यह हमारे सशस्त्र बलों के साहस के साथ ही देश के राजनीतिक नेतृत्व के संकल्प को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने एक बार फिर वोटरों को चेताया है। सुल्तानपुर के इलौसी विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जिसका जितना वोट उसका उतना विकास। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होते ही नेताओं की सियासी कसरत भी शुरू हो गई है। इसी बीच कैबिनेट मंत्री और सुभा सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने इस्तीफा देने के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से समय मांगा है। बताया जा रहा है कि शनिवार को सीएम योगी और भाजपा के प्रदेश प्रभारी जेपी नड्डा के साथ सीट के मुद्दे पर उनकी बात हुई थी। अमेरिकन एयरलाइंस ने रविवार को बोइंग 737 मैक्स की उड़ानों को अगस्त के मध्य तक स्थगित करने की घोषणा की है, जिससे बताया जा रहा है कि विमानों को कैंसिल करने से 19 अगस्त तक रोजाना 115 उड़ानें प्रभावित होंगी। कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से कथित तौर पर उतारे गए काले बक्से की शिकायत इलेक्शन कमीशन से की है। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद शर्मा ने पीएम मोदी से इस पर सफाई देने की मांग की है। लोकसभा चुनाव की शुरुआत होते ही नेताओं द्वारा बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की मुश्किलें बढ़ती गई हैं और आजम खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। संकट के दौर से गुजर रही जेट एयरवेज के करीब 1000 से अधिक पायलटों ने वेतन भुगतान नहीं होने की वजह से आज से विमान न उड़ाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि ये सभी पायलटों के राष्ट्रीय संगठन नेशनल एविएटर्स गिल्ड से जुड़े हुए हैं। मौसम विभाग की माने तो आज मौसम फिर एक बार करवट ले सकता है। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली एजेंसी स्काईवेट वेदर की माने तो आज देश के कई राज्यों में धूल भरी आंधी आने की संभावना है। इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बसपा के पास सभी राजनीतिक दलों में सबसे ज्यादा बैंक बैलेंस है। आपको बता दें कि इसका खुलासा 25 फरवरी को राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुनाव आयोग में दाखिल खर्चों की रिपोर्ट से हुआ है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश की 3 और लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की 4थी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पार्टी ने अपने मौजूदा 2 सांसदों की इस बार टिकट नहीं दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा बसपा गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा बीएसपी को बिल्कुल समाप्त पार्टी, एसपी को समाप्त पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को रोज लुढ़कता दल करार दिया है। इन पार्टियों को गठबंधन का बेमेल गठबंधन कहा है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कांग्रेस पर सुरक्षा बलों के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई मामले का जवाब देने में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। हाल ही में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार स्पेन दुनिया का सबसे स्वस्थ देश है, वहीं इसका कारण वहां के लोगों के खान पान की आदतों को माना गया है। आपको बता दें कि 169 देशों की इस लिस्ट में स्पेन शीर्ष पर है और भारत का नाम इस लिस्ट में 120वें नंबर पर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला संसदीय क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी द्वारा किए गए जनहित के कार्यों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और अपने कार्यकाल में उन्होंने किसानों को 75 पैसे तक नहीं दिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी और पश्चिम यूपी के प्रभारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आज यूपी के फतेहपुर सिकरी में एक रैली को संबोधित करेंगे। तो ये थी जनरल खबरें और अब खबर उनके लिए जो कि सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं तो मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 10 नई वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसलिए आप इस इन्फॉर्मेशन को गौर से देखिए और उस पर अमल करें, हो सकता है आपको इनमें से कोई नौकरी मिल जाए।
जहां सबसे पहली वैकेंसी है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। पदों की संख्या है 20, पद का नाम है जूनियर रिसर्च फेलो। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है MMR MSc। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 35,000 से 51,540 रहेगा। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.iasst.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप IASST नहीं जाना चाहते तो घबराने की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए एक और सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, इसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। यह वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। पदों की संख्या है 10, पद का नाम है मैनेजर। आवेदन की अंतिम तारीख 1 मई 2019। आवेदक की आयु 18 से 28 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता बायोमेडिकल साइंस या MSc। मासिक आय नोटिफिकेशन के अनुसार वेतनमान 30,000 प्लस अन्य भत्ते रहेंगे। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.delhiuniversity.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने भी वैकेंसी निकाली है। जी हाँ, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ज्वाइन करना चाहते हैं आप अगर, तो इसे ध्यान से देखिए और इस पर अमल कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 6,369 है। पद का नाम है जूनियर इंजीनियर। आवेदन की अंतिम तारीख 16 अप्रैल 2019। आवेदक की आयु 18 से 37 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है डिप्लोमा। मासिक आय 46,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.pariksha.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसे ध्यान से देखिए और उस पर अमल कीजिए। यहाँ पदों की संख्या है 249। पद का नाम है ग्रुप डी। आवेदन करने की अंतिम तारीख 22 अप्रैल 2019। आवेदक की आयु 18 से 42 होनी चाहिए। आवश्यक योग्यता है 10th पास। पे स्केल 16,900 से 53,500 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.hssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी लगता है कि आपके लायक नहीं है तो नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली ज्वाइन कीजिए। यहाँ पदों की संख्या 60 है। पद का नाम है यंग म्यूजियम कंजर्वेटर। आवेदन की अंतिम तारीख है 1 मई 2019। आवश्यक योग्यता है MA MSc। आवेदक की आयु 18 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 25,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.nationalmuseumindia.gov.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में नहीं जाना चाहते तो आप एम्स भुवनेश्वर में आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या है 2। पद का नाम है रिसर्च एसोसिएट। आवेदन की अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है BSc। आवेदक की आयु 21 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल 15,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.aimsbhuvneshwar.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी अच्छी नहीं लगी तो आप ब्रह्मपुत्रा क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 66 है। पद का नाम है ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन। आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है BE BTech। आवेदक की आयु 23 से 30 होनी चाहिए। पे स्केल 14,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.bcponline.co.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 362 है। पद का नाम है स्टाफ नर्स। आवेदन की अंतिम तारीख है 30 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है BSc इन नर्सिंग। आवेदक की आयु 25 से 35 होनी चाहिए। पे स्केल रहेगा 36,900 से 50,000 रुपए तक। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.rimsranchi.org पर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाई कोर्ट ऑफ मद्रास ने भी वैकेंसी निकाली है। यहाँ पदों की संख्या 68 है। पद का नाम है लॉ क्लर्क। आवेदन की अंतिम तारीख 25 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है LLB। आवेदक की आयु 35 से 68 होनी चाहिए। पे स्केल 30,000 रुपए। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन लिंक www.hcmadras.tn.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी भी पसंद नहीं तो आप ज्वाइन इंडिया आर्मी ज्वाइन कीजिए। पदों की संख्या है 1,442। पद का नाम है सोल्जर जनरल। आवेदन की अंतिम तारीख है 23 अप्रैल 2019। आवश्यक योग्यता है 12th ITI। आवेदक की आयु 17 से 21 होनी चाहिए। पे स्केल 20,000 रुपए। आवेदन करने के लिए योग्य उम्मीदवार www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर विजिट कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने वक्त आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण हो वही भरें, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें, और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सके अपडेट।